जोरों पर है और हो भी क्यों न, क्योंकि चुनाव सर पर है। लखीमपुर खीरी में एक घटना हुई, दुर्घटना हुई या वारदात हुई, लेकिन इसके बाद जो कुछ भी लखनऊ से लेकर के लखीमपुर खीरी में हो रहा है उसे देखकर आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी मुश्किल पेश करने की कोशिश की जा रही है। और वो इसलिए क्योंकि चार किसानों सहित कुल आठ लोगों की मौत कुचले जाने से हुई है। इसमें उत्तर प्रदेश का कैबिनेट पूरी तरह से जिम्मेदार बताया जा रहा है, केंद्र सरकार के मंत्री इसके लपेटे में आए हैं और केंद्र सरकार के मंत्री के पुत्र पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझ करके किसानों को रौदा और उसके बाद धरनारत किसान किस कदर उग्र हुए और लखीमपुर खीरी की स्थिति बद से बदतर कैसे हुई, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के बड़े अधिकारी इस समय लखीमपुर पहुंच चुके हैं, लेकिन सियासत इतनी तेजी से करवटें बदल रहा है कि कई बड़े नेताओं की गिरफ्तारी या हिरासत की स्थिति बनानी पड़ी है, क्योंकि हर पार्टी का बड़ा नेता इस समय लखीमपुर जाकर के अपनी राजनीति को नई धार देने की कोशिश में लगा हुआ है। राकेश टिकैत लखीमपुर पहुंच चुके हैं, उस जगह जहां पर ये सारा बवाल हुआ और वहीं से जो कुछ भी सियासत चल रही है, चलाए जाने की कोशिश है, वो सब कुछ देख रहे हैं और उनके साथ सारे विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं का कोऑर्डिनेशन चल रहा है। तो यूं कहें पूरे देश के सामने इस समय लखीमपुर खीरी भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरने का पूरा प्लान लखीमपुर खीरी से बनाया जा रहा है। लेकिन यह जरूर है कि आठ लोगों की वहां पर मौत हुई है, हत्या का मामला बनता है, एक केंद्रीय मंत्री के बेटे पर आरोप है, उनकी जांच होनी चाहिए और वास्तव में ये बड़े जांच का विषय है कि ये वारदात, ये घटना, ये दुर्घटना हुई कैसे। और अगर कहीं ना कहीं मनमानी का मामला सामने आता है तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन कानून अपना काम करे उसके पहले सियासत का जो दौर वहां चल रहा है, चलाने की कोशिश हो रही है, उसके जरिए लखीमपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश या यूं कहें पंजाब और हरियाणा को एक बार फिर सरगर्म करने की वो तमाम कोशिशें और कवायद जारी है, जिसका कहीं ना कहीं एक माइलेज विपक्ष को मिल सकता है और विपक्ष इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। इस समय हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला जुड़ रहे हैं और अनूप बताएंगे कि लखनऊ में घटनाक्रम क्या चल रहा है और उस घटना के परिप्रेक्ष्य में, उसके संदर्भ में शासन और प्रशासन क्या रणनीति बना रहा है और किस रणनीति पर आगे चलकर विपक्ष की ये घेरों वाली राजनीति को कुंद करने की कोशिश की जा रही है। अनूप, ऐसा है समय लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने जिसे कहा जाए बंधक बना लिया। अखिलेश यादव अपने आवास से जब निकल रहे थे लखीमपुर के लिए तो रास्ते में एक बड़ा ट्रक खड़ा कर दिया था जिससे कि वो बाहर ना निकल सके, गाड़ियों की बाहर ना जा सके। सपा कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज में जब वो अखिलेश यादव की गिरफ्तारी की बात आई तो उन्होंने इतना बवाल काटा है, एक पुलिस की जीप को बाकायदा जला दिया गया है और कोशिश चल रही थी बहुत ज्यादा जिसे कहा जाए गाड़ियों को जलाने की, पुलिस ने बहुत मुश्किल से बामुश्किल संभालने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी स्थिति कंट्रोल में नहीं कह सकते हैं। बाकायदा सपा अध्यक्ष जो अखिलेश यादव हैं वो बार बार लखीमपुर जाने की ही बात कर रहे हैं कि लखीमपुर जाना, लेकिन पुलिस जाहिर सी बात है उनको लखीमपुर जाने को नहीं मिलेगा क्योंकि लखीमपुर जाने के लिए कोई भी राकेश टिकैत के अलावा कोई भी नेता विपक्षी लखीमपुर नहीं पहुंच पाया है, उसे रास्ते में ही रोका गया है। तो जाहिर सी बात है सपा भी ये मौका कैसे खो सकती थी, अखिलेश यादव जाने की कोशिश में थे
लेकिन अखिलेश यादव को नहीं जाने दिया गया। पुलिस ने उनको एक तरह से गिरफ्तार ही कर लिया है, सपा के जो कार्यकर्ता है, लेकिन वो बराबर बवाल काटे हुए हैं और बहुत ज्यादा बवाल काटे हुए, आगजनी का पूरा माहौल हो गया था जी। अखिलेश यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है और शिवपाल यादव की भी गिरफ्तारी बताई जा रही है। जी जी जी, अखिलेश यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है और शिवपाल चूंकि गाड़ी से निकल गए थे तो उनको भी रोक लिया गया है। कुल मिलाकर कोई नेता वहां जाने के लिए जिसे कहा जाए रास्ता उसके लिए खुला नहीं। हाँ, राकेश टिकैत भले ही वहां पहुंच चुके हैं, उनको जाने दिया गया है। इसके अलावा कोई भी नेता, प्रियंका गांधी सीतापुर में हाउस अरेस्ट कर ली जाती है, भूपेश बघेल को एयरपोर्ट आने नहीं दिया जाता है, पंजाब के सीएम को भी वहां से, यहाँ पर जो सीएम योगी उन्होंने चिट्ठी लिखी कि पंजाब से कोई भी आदमी यहाँ पर ना आने दिया जाए, ये आग्रह किया बाकायदा चिट्ठी लिखकर। लेकिन सोचिए जिस राज्य का सीएम खुद ही वहां जाने की कोशिश कर रहा है वो इस बात को कैसे मानेगा, ये भी सोचने वाली बात है। कुल मिला के नेता कई है जो जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जाने किसी को नहीं दिया। बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है, छत्तीसगढ़ और पंजाब का कनेक्शन लखीमपुर खीरी से, ये तो साफ साफ लग रहा है कि पूरे देश को और खास करके उत्तर भारत को बस किसानों के नाम पर सरगर्म कर देने की जुगत बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। मैं चाहूंगी ये कह रहा हूं कि पंजाब और छत्तीसगढ़ का कनेक्शन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि लखीमपुर खीरी से क्या है, जो विपक्ष के नेताओं को वहां से डिप्यूट किया जा रहा है लखीमपुर खीरी के लिए, खास करके कांग्रेस के संदर्भ में ये सवाल मेरा है। लेकिन जहां तक मैं आपका सवाल समझ पा रहा हूं, लखीमपुर वाया लखीमपुर लखनऊ आने की कोशिश है, ये विपक्षी पार्टियों का एक इस समय मौका मिल गया है। कल की जो घटना हुई बेहद जिसे कहा जाए कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उस घटना के बाद जो संभाला जा सकता था स्थिति को उसको और बिगाड़ा गया है। वहां पर जो किसान जिनको कहा जा रहा है उन्होंने बाकायदा पीट पीट के मार डाला है ड्राइवर को, ड्राइवर से जबरदस्ती बयान का एक वीडियो भी सामने, कई तरह के वीडियो आ रहे हैं, वीडियो भी सामने आया है। कुल मिलाकर जिसे कहा जाए जिस मौके की तलाश में राकेश टिकैत काफी समय से थे, वो मौका जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा है उनके मार्फत उनको फिलहाल मिल गया है। राकेश टिकैत वहां पर है, लेकिन अब ये चूंकि चुनावी माहौल है, चुनावी प्रदेश है, हर आदमी यहाँ पे, यहाँ तक कि जो टीएमसी नेता है वो भी वहां जाने की कोशिश में है किसी प्रकार वहां पहुंचे। ये है विपक्ष की एकजुट रणनीति, विपक्ष इस समय एकजुट दिखाई दे रहा है, हर कोई बस लखीमपुर जाना चाह रहा है और बीजेपी सरकार योगी सरकार को घेरना चाह रहा है। वो जान रहे हैं कि उनको एक मौका किसान के नाम पे मिल गया है और इसका फायदा कैसे उठाना है राजनीतिक रूप से, बस इसी की जुगत पे लगे जी। अनूप, आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है जो एक बार फिर हम अपने दर्शकों के सामने दोहराना चाहेंगे, वो ये है कि लखीमपुर में सब इकट्ठा होना चाह रहे हैं और लखीमपुर से सब लखनऊ कूच करना चाह रहे हैं ताकि किसान का मुद्दा लेकर के और सरकार को घेरने के लिए, खास करके योगी सरकार और केंद्र सरकार को घेरने के लिए लखीमपुर के बाद एक ग्रैंड मीटिंग हो विपक्षी नेताओं की, जिसमें केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा मांगा जाए, उनके लड़के को अरेस्ट किया जाए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाने की कोशिश है कि वो त्याग पत्र दें। बड़ा सवाल है कि जिसके सहारे ये सब कुछ करना चाह रहा है विपक्ष, उसी के एक प्रतिनिधि, मैं तो एक प्रतिनिधि मानता हूं, राकेश टिकैत बाकायदा पहुंचा दिए गए हैं घटनास्थल पर। अब राकेश टिकैत को प्रशासन किस तरह से साधने की कवायद कर रहा है? अनूप, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है अनूप? जी, कट के आ रही, बहुत कट के आ रही। मैं सवाल दोहराता हूं, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि अब सब लखनऊ की ओर कूच करेंगे लखीमपुर खीरी से, तो सवाल यह है कि क्या लखनऊ पहुंच करके आंदोलन का एक स्वरूप बनाने की विपक्ष की कोशिश और कवायद या रणनीति, आप जो भी कह लें, वो चल रही है क्या? देखिए, जहां तक मैं सवाल समझ रहा हूँ, बिल्कुल आपने सही कहा, ये पूरी रणनीति जो है, पूरी राजनीति है वाया लखीमपुर लखनऊ आने की है। जाहिर सी बात है, एक बात और कहना चाहूंगा मैं, जिस प्रकार से कल का घटनाक्रम हुआ था उसको देखते हुए यही लग रहा था कि लखीमपुर में बहुत भयानक आग लगनी तय है,
लेकिन जिस प्रकार से शासन प्रशासन और सरकार ने इस स्थिति को संभालने की कोशिश की है वो सराहनीय है। अभी इस समय जो लखीमपुर का जो हाल है वहां पर ये हाल है कि जो पुलिस के जो आला अफसर वहाँ एडीजी जो पहुंचे हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार पहुंचे हुए, उन लोगों ने स्थिति को बड़े अच्छे संभाला है। अभी 4 फुट की मांगे उन्होंने जो किसान है उन्होंने रखी है, और जैसे कि जो अजय मिश्रा के जो लड़के हैं आशीष, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो चुका है क्योंकि उन्हीं पे इल्जाम लग रहा है कि उनकी कार से ही वो जो कुचले गए हैं जो किसान है, तो उन पे 320B का मुकदमा दर्ज हो चुका है। लेकिन इधर से बीजेपी की तरफ से क्रॉस FIR हुई क्योंकि उनके बीच तीन कार्यकर्ता बीजेपी के मारे गए हैं, साथ में ड्राइवर मारा है और एक पत्रकार है चैनल का, वो भी उसकी भी डेथ हो गई है और कई पत्रकार अभी वहाँ घायल है। ऐसा नहीं कि दबा हुआ है, दोनों तरफ से संग्राम छिड़ा है, दोनों तरफ से हुआ है। बात वही है कि कोशिश पर लखनऊ को किसी तरह से हाईजैक करने की, क्योंकि चुनावी प्रदेश से सब जानते हैं विपक्षी पार्टी के बनकर यही है कि किसी प्रकार से लखीमपुर के मुद्दे पर अब योगी सरकार को घेरा जाए। लेकिन थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि किसानों के साथ वहाँ जो वार्ता चल रही है वो सफल होती दिखाई दे रही है। उनसे बाकायदा ये बात हुई है कि 1-1 करोड़ के मुआवजे की मांग की है उन्होंने, अजय मिश्रा को राज्य मंत्री पद से बर्खास्त कर वहाँ से हटाने की बात की है, उनके लड़के को गिरफ्तार करने की बात हुई है और साथ में एक उनके जो जो मृत हुए हैं मरे हैं जो किसान उनके परिवार में एक को सरकारी नौकरी, ये 4 फुट की मांगे मानी गई हैं। अभी वार्ता चल रही है, 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा, 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा। जी जी, बहुत अहम जानकारी आपने दी। बड़ा सवाल ये है कि क्या मिश्रा जी ने जो कहा, अजय मिश्रा जो इस समय केंद्रीय मंत्री भी हैं और गृह मंत्रालय में वो राज्य मंत्री का काम संभाल रहे हैं, उनके इस्तीफे की बात की जा रही है, लेकिन उन्होंने इस घटना पर क्या बयान दिया है, अपनी बात रखी है, अपना पक्ष रखा है, ये भी हम एवी स्टार न्यूज के माध्यम से लोगों को सुनाना चाहते हैं। जी जी जी, जरा वो बाइट सुने, वो बाइट सुना है। आप सबको जैसी जानकारी है, आप लखीमपुर के रहने वाले, हमारे यहाँ ये पैतृक गांव में कार्यक्रम बड़े लंबे समय से हो रहा है, उसी कार्यक्रम के सिलसिले में हमारे उप मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए उस कार्यक्रम में जा रहे थे। हम लखीमपुर से PWD की कुछ लोकार्पण शिलान्यास की योजनाओं को करने के बाद कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, उसी दौरान कुछ ऐसी जानकारियाँ आईं कि किसान वहाँ विरोध प्रदर्शन के लिए खड़े हैं, तो हमारा रूट डाइवर्ट हो गया। उस दौरान हमारे कुछ कार्यकर्ता जो रिसीव करने के लिए आ रहे थे, उनकी गाड़ियों पर तथाकथित किसानों के बीच में छुपे हुए उपद्रवियों ने वहां पर उन पर पत्थरों से हमला किया। यकवक्त हमला होने से गाड़ियां रुक गईं, हमारे कार्यकर्ताओं को गाड़ियों से खींच करके लाठी डंडे और तलवारों से पीटा गया, जिनके सारे वीडियो हमारे पास हैं। उनसे ये भी प्रयास किया गया कि तुम ये बोलो कि तुमको गाड़ी चढ़ा रहे थे तुम, ऐसी कोशिश, उसका भी वीडियो है। उस लड़के की भी हत्या कर दी गई, उसने जब मना किया कि नहीं उन्होंने ऐसे नहीं कहा, क्योंकि मैं तो तब तक कार्यक्रम स्थल पर भी नहीं पहुँचा था। और लगातार ये भी बात वो कह रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या की, ड्राइवर की, ऐसे 4 लोग हमारे मारे गए हैं, कई लोग घायल हैं, कई लोग अभी लापता हैं, उन सब की हम लोग तलाश कर रहे हैं। सारे वीडियो हमारे पास उपस्थित हैं, फोटोग्राफ उपस्थित हैं, और जहां कार्यक्रम हो रहा था वहां पर भी हजारों लोग रहते हैं, जहां मेरे पुत्र वहां पर मौजूद थे और 11 बजे से 5 बजे तक वो वहीं पर रहे और लगातार कार्यक्रम में रहे, जिसमें हजारों लोगों के साथ साथ पुलिस प्रशासन के लोग, फोटो वीडियो, ऐसी सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। मंत्री जी, अजय मिश्रा ने जो कहा उसका सार मैं आपको बताता हूं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरे पास वो सारे वीडियो हैं कि किस तरीके से किसानों के भीड़ में छिपे हुए उपद्रवी तत्वों ने गाड़ी को घेरा, जिसमें उनका लड़का बैठा हुआ था, ड्राइवर था, उसके बाद लाठी डंडों और तलवार से हमले किए गए और उसके बाद स्थिति बिगड़ी और फिर वो दुर्घटना हुई जो आप सबके सामने है कि 4 किसानों की वहां मौत हुई है कुचले जाने से। अब आरोप प्रत्यारोप के दौर के बाद इतना तो तय है कि इस मामले की जांच होगी और जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि किसानों के बीच कहीं ना कहीं उपद्रवी तत्व अवश्य मौजूद थे।
अनूप, सवाल बड़ा है, क्या प्रशासन या शासन की तरफ से उपद्रवियों के संदर्भ में भी जांच के कोई निर्देश दिए गए हैं क्या? अभी ऐसी कोई नहीं आई है कि उपद्रवी जो तत्व है उनके लिए जांच के आदेश दिए गए। अभी तो सिर्फ एक प्रकार से स्थिति को संभालने की कोशिश हो रही है, जो उनकी मांग है उन्हीं को सिर्फ इसे कहा जाए कि देखा जा रहा है। अभी प्रशासन की तरफ से दूसरी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जाहिर सी बात है जब ये मामला ठंडा होगा, इनकी मांगे मानी जाएंगी या जैसा भी निर्णय लेती है सरकार, उसके बाद चूंकि कई वीडियो उनकी तरफ के जो उपद्रवी हैं उनके आ चुके हैं, तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके ऊपर भी जिसका कार्रवाई बिल्कुल पूरी रूप से संभव, क्योंकि सीएम योगी साहब कहा है जो इस घटना में जिम्मेदार है दोषी ये उनको बच्चा नहीं जाएगा, वो चाहे इधर के हो चाहे उधर के, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल अधिक किसानों की बात को ही देखा जा रहा है, किसानों की बात को ही समझा जा रहा है, उन्हीं की बातों पे आगे बढ़ा जा रहा है। कांग्रेस और सपा के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा मुखर हैं, आक्रोश में हैं और पूरा एक मूवमेंट बना रहे हैं विरोध का और इस मामले पर सरकार के खिलाफ खुला विद्रोह का, तो क्या अब वो शांत हैं या सड़कों पर निकलने की उनकी कवायद चल रही है? देखिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से ये जिसे कहा जाए कि दबाव की रणनीति अपनाई जा रही है, इस प्रकार से सरकार से दबाव बनाया जाए, जाने को अभी मिलना नहीं है, एक या दो दिन नहीं जाने को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है उनका जो रणनीतिक केंद्र होगा वो लखनऊ ही होगा और सपा के कार्यकर्ता लखनऊ में ही सारा जिसे कहा जाए विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो आने वाले एक दो दिन लखनऊ में आप देख सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन कितने ही उच्च स्तर पे होगा, ये भी रणनीति दोपहर को फिर बनेगी। मेरे पास अभी एक खबर मिली थी, अभी रणनीति बनाई जा रही है किस प्रकार से वहां धरना प्रदर्शन एक या दो दिन का रखा जाए, तो अभी ये देखना भी रणनीति पूरी तरह से नहीं बनी, लेकिन सामने आएगी धरना प्रदर्शन की पूरी रणनीति बन रही है, कुछ देर बाद वो भी सामने आ जाएगी। जी आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, पूरे घटनाक्रम पर आप नजर बनाए रखिए, हम आप पर आपके पास समय समय पर आएंगे और ताजा जानकारी लेंगे और सीधे हम कुछ ही देर बाद लखीमपुर खीरी चलेंगे जहां हमारे संवाददाता वहां डटे हुए हैं और पल पल की खबर देखें दिखाने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन तब तक आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।